इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वेगालिन एसआर 75 टैबलेट एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है जिसे न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नव कोशिकाओं की कैल्शियम चैनल गतिविधि को व्यवस्थित करके दर्द को कम करता है। यह दवा तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करती है और क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं को ठीक करती है। वेगालिन एसआर 75 टैबलेट को हो सके तो सोते समय भोजन के साथ या बिना भोजन के मुंह से लिया जाता है। इसे हर रोज एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह शरीर में दवा के समान स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में ही लें क्योंकि इसकी लत लग सकती है। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। चाहे आप बेहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोर्स खत्म करें। यह आवश्यक है कि इस दवा को लेना डॉक्टर से बात किए बिना अचानक से न बंद किया जाए। इस दवा के कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना और नींद आना शामिल हैं, इसलिए जब तक आप जान ना लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी ना चलाएं, ना ही कोई ऐसा काम करें जिसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत हो। हल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। इस दवा से वज़न बढ़ सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए। अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव होता है, नया या खराब डिप्रेशन होता है अथवा आत्महत्या के विचार आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना आवश्यक है। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेग्नेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।